न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मास मार्केटिंग सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर। सेल के बोनस का फैसला नहीं होने से सेल कर्मचारियों में आक्रोश, डीएसपी में सेल कर्मचारियों ने फिर किया प्रदर्शन। दुर्गापुर में एक विवाहिता महिला की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने लगाया हत्या के आरोप। मेयर के पेयजल परियोजनाओं का 2 वार्डों में किया शिलान्यास, 39 नंबर वार्ड में वाटर रिजर्वर का किया निरीक्षण। सीआईएसएफ ने चलाया सलानपुर एरिया में अवैध कोयला को लेकर छापेमारी अभियान, छापेमारी में 25 टन कोयले के साथ वाहन और बैलगाड़ी जब्त। बिजली का तार लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 घायल, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर प्रदर्शन। दुर्गापुर स्टील प्लांट के इतिहास में पहली बार बोनस श्रमिकों को अभी तक नहीं मिली है। दुर्गा पूजा बीत चुकी है, अब काली पूजा, दीपावली और छठ सामने है। अभी भी दुर्गापुर स्टील प्लांट के श्रमिकों का बोनस पर कोई समझौता भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर श्रमिकों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल श्रमिकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कल फिर बोनस को लेकर दिल्ली में बैठक होगी। इंटक के राणा सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 44,000 बोनस हम लोगों को देना होगा, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बोनस मिलेगा। श्रमिकों का बोनस अपना हक है। आज दुर्गापुर स्टील प्लांट गेट के समक्ष हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले इंटक के ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे स्टील चेयरमैन को भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर स्टील प्लांट में जाने वाले सभी श्रमिकों ने ही अपना हस्ताक्षर किया है। हमरा बार बार करे बोला सत्त्वेओ सेल कर्तृपक्षेर अनमनीय मनोभाव एवं प्लांटटाके मने करेछेन खाली एक्सिक्यूटिवदेर प्लांट, ताई श्रमिकदेर जे प्राप्य बोनस इतिहासे प्रथमबार হচ্ছে কালী পুজো এসে গেলো, এখনো পর্যন্ত আমরা বোনাস পাইনি। আমরা বারবার করে আমাদের লেজিটিমেট ক্লেম কোম্পানির কাছে পেশ করছি, কিন্তু কোম্পানি আমাদের রক্ত বা ঘামের কোনো দাম দিচ্ছেন না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আজ গেটের সামনে চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে ওয়াল সিগনেচার ক্যাম্পেইন করেছি, দেওয়ালে সিগনেচার হয়েছে, এর টোটাল ছবি করে আমরা ইমেল করে চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাচ্ছি। আমরা বলেছি কালকে বোনাসের মিটিং আছে, কোনো শর্ত ছাড়া 44,000 টাকা ইমিডিয়েটলি পেমেন্ট করতে হবে, আর না দিলে সেল অবিলম্বে এমন জায়গায় পৌঁছাবে যখন আমাদের ক্ষমতায় আমরা আর টেনে না উঠাউড়াতে পারবো না। दुर्गापुर धोबी घंटा क्षेत्र में एक गृहिणी की आकस्मिक मौत से मृतक का नाम 21 वर्षीय स्वप्ना देवी है। वह बिहार के छपरा जिले के अकलीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। स्वप्ना देवी के परिजन सोमवार को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल पहुंचे। उनका आरोप है कि स्वप्ना देवी की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि मृतिका के ससुराल वालों ने दहेज के लिए पैसे की मांग की, करीब 1,00,000 रुपए देने के बाद भी वह 50,000 रुपए की मांग करते हुए स्वप्ना देवी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रविवार को ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को उप जिला अस्पताल में फेंक दिया। दामाद समेत ससुराल वालों को सजा दिलाने की मांग को लेकर परिजनों ने दुर्गापुर थाने का दरवाजा खटखटाया। मालूम हो कि स्वप्ना देवी की शादी करीब 1 साल पहले बिहार के सोनपुर थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले टिंकू राय से हुई थी। शादी के बाद वे दुर्गापुर के धोबी घाट इलाके में रहने लगी। इसका 3 माह का एक बच्चा है। रविवार को स्वप्ना देवी के घर के लोगों को उनकी मौत की खबर मिली, वे अस्पताल पहुंचे और शव को देखा। मृतक के पिता ध्यानु राय ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। जैसे कि टोटल 10,00,000 रुपये हम लगा कर खर्चा करके बेटी के शादी। आप लोग को कोई ज्वेलरी दिया है? गोल्डन ज्वेलरी, जेवर, जेवर, जेवर 1,00,000 के दिए हैं सर, अपने बच्ची को दिए हैं। लेकिन जब विदा करा के एक बार ले भी गए तो मंगल सूत्र तकले उतरवा लिया है, सारा गाना यही उतरवा के भेजे हैं सर। शादी तो मैंने कब हुआ था? शादी 1 साल, एक साल पहले हुआ था। अच्छा, जो आदमी से शादी हुआ था उसका भी, उसका मैंने गांव का पता, उसका सबलपुर है, जिला छपरा है, सोनपुर थाना, यहाँ सबलपुर, यहाँ मतलब धोबी घाट में रह रहा है। लड़का के नाम टिंकू कुमार,
लड़का के नाम टिंकू कुमार है। की शादी हुआ था 9 जुलाई 2021 में, तो वो 50,000 रुपया एगो गाड़ी हम लोग नहीं दिए दहेज में, कम कर दिए। तो कम कर देने के कारण शादी के चार पाँच दिन बाद से उनको टचर करने लगी, नतीजा करने लगी। उसके बाद इसी करते करते कल 16 तारीख को सास ससुर सब आदमी मिलकर, पति उति मिलकर हत्या कर दी गई है। शक है कि हत्या कर दी गई है। तो वहाँ से अड़ोस पड़ोस के आदमी हम लोगों को फोन किए। आसनसोल नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सकों को इस बैठक में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन कई चिकित्सक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे आसनसोल नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य काफी नाराज है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली ने कहा कि जो डॉक्टर आज के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं उनको कारण बताओ नोटिस दी जाएगी। यह काफी अहम बैठक थी, आखिर उन लोगों ने इस बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং তারপরে যেটা আমরা মেয়র সাহেবের সঙ্গে বসে ওইটাকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द बेस्ट प्राइस शॉप, हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, पश्चिम बंगाल में सबसे कम कीमत क्योंकि हमारा मोचो है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, हमारे यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑथराइज डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट सनी मंदिर, नुरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा,
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के द्वारा कुल 29 नंबर वार्ड साराबानी और जाम डोहा ग्राम के जल समस्या को समाधान करने के लिए वाटर रिजर्वर बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय ने एक टीम के साथ दौरा किया। इस टीम में उप मेयर वसीमुल हक, वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारी शामिल थे। वाटर रिजर्वर को निरीक्षण करने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि वाटर रिजर्वर का अवलोकन किए, पाम्प हाउस विजिट करेछि, तार आगे आमरा जेटा 39 नम्बर वार्ड ওখানে শালবনি এবং জামডোবা দুটো গ্রামে কখনোই ওদের না লাইট ছিল, লাইটটা আমরা অলরেডি করে দিতে পেরেছি, আর জল ওদের পিএইচি লাইন ছিল কিন্তু জল পড়তো না ওদের, তো সেটা ওখানকার কাউন্সিলর আমাদের কাছে ই করেছিল, রিকোয়েস্ট করেছিল যে তাড়াতাড়ির মধ্যে করার জন্য, তো আজকে আমরা ওটাকে উদ্বোধন করেছি। প্রায় 18 লক্ষ, মনে হয় 18 লক্ষ টাকার কাজ, ওটা 18 লক্ষ টাকার কাজ, ওটা উদ্বোধন করেছি। ওই ওই জল পাইপলাইনটা পেয়ে গেলে ওদের শালবনি এবং জামডোবা দুটো আদিবাসী পাড়া রয়েছে, গোড়াই পাড়া রয়েছে, ওই পাড়াগুলোর জল পেয়ে যাবে ওরা। पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न थाने के इलाके में अवैध कोयला तस्करी का धंधा बदस्तूर जारी है। कभी पुलिस तो कभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अभियान चलाकर इस पर नकेल कसने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस धंधे पर अभी तक नकेल नहीं कसा जा सका। इस अवैध धंधे पर नकेल कसने के उद्देश्य से CISF ने सोमवार को छापेमारी अभियान चलाया। यह छापेमारी अभियान सालानपुर थाना क्षेत्र के इलाकों में चलाया गया, जहां से CISF ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किए। CISF ने लगभग 25 टन अवैध कोयला, 3 मोटर बाइक, 4 साइकिल और 2 बैलगाड़ी जब्त की। CISF का दावा है कि यह कोयला अवैध रूप से ले जाया जा रहा है, हालांकि इस घटना में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। CISF अधिकारियों ने कहा कि कोयला तस्कर कोयला और वाहन छोड़कर भाग गए। जी कितने कितने गाड़ियां हैं, कितने क्या क्या? 3 बाइक है, 2 गाड़ी है और कितना साइकिल है? 3 साइकिल, 4 साइकिल। कोयला भी कोई जब्त किया गया? हां कोयला भी। कितना कोयला होगा सर? कोयला कितना टन होगा? 25 टन। तो क्या ये इलीगल हिसाब से चल रहा था? इलीगल। तो कोई अरेस्ट हुआ सर? अरेस्ट नहीं हुआ, छोड़ छोड़ कर भाग गया सर। इससे आगे भी अभियान चलाए थे आप लोग? हाँ हाँ। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 15 स्थित सोरागडी इलाके में बिजली का तार लगाने को लेकर इलाके के ही कुछ युवक आपस में भिड़ गए। युवकों के बीच रविवार देर रात जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल युवकों को लेकर सोरागडी इलाके के 2 पक्ष के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे का खून बहाने को उतारू है। सोमवार की सुबह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर दूसरे पक्ष के लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि पार्षद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सोमवार की सुबह आरोपी युवकों को गिरफ्तार करवाएंगे, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं की है। उनके आक्रोश को देखकर दूसरे पक्ष के लोग भी आक्रोशित होने लगे। वहीं घटना की खबर सुन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोषी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। पुलिस दोनों पक्ष के लोगों को शांत करवाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस दोनों पक्ष को आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब जाकर दोनों पक्ष के लोग शांत हुए। কিছু হয়নি, আমরা যেটা আমরা রিপোর্ট করেছিলাম, কাউন্সিলর বলল যে আমি 10টার মধ্যে অ্যারেস্ট করাবো এক দুজনকে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু হলো না, তাই আমরা এই যুদ্ধটা রেখেছি। তোমরা কি চাইছো? আমরা সেটা চাইছি তোমরা গেলো পুলিশগুলো আছো তোমরা চলে যাও, না হলে ওদেরকে অ্যারেস্ট করো। আমাদের দুটোর মধ্যে ওইটাই অপশন ছিল। ধন্যবাদ। রাস্তাঘাটে জানি তো আমার আদিবাসী মদ না খেলে কাজ করতে পারবো না, আদিবাসী মদ খায়ে তবে তোমরা কাউকে বলেছো?
তোমার ওই ওখানে যে গার্ড করে আমার ছটন ছটা ভাই বেটে ছটন বাউরি নাম বেটে ওয়ার আর একজন বুড়ো বাউরি তো উনিরা ওয়ারা দুজনা ওই ওখানে গার্ড করে তো ওয়ারা ওই ও যে লাইনে তার একটা নিয়েছে ওই ওখান থেকে ও তারটা থেকে ঝামেলা হলো কিসের থেকে তার তো একটা গাড়িতে ছিঁড়ে দিয়েছিল গাড়িতে ও হ্যাঁ ও ওই তারটা যেয়ে জুড়তে গেছিল ওরা ওরা জুড়ছিল তো ওরা দুজন মদ খেয়ে এইসব পথে বলছে এটা কার বেটা তার এটা কিসের তার হ্যাঁ তোরা কেনে লাগাবি এখান থেকে তুই আর বলিস দেখ বাবা এটা তো তোর বাড়ি থেকে লই নাই আর তোর পাশের ঘর ঘর থেকেও লই নাই এটা আমরা খাম্বা থেকে নিয়েছি যথা থেকে ইয়ে আছে তারপরে আমরা ফেরি করে দেবো তো এবারে ওটা থেকে ওরা গালাগুলি দিতে লাগাই নিচ্ছে গালাগুলি দিতে লাগাই নিচ্ছে তো ওই করে ঝামেলাটা হাঁটাই দিলুম মিটাই দিলুম আমরা ফির ওদেরকে পাঠাই দিলুম আমরা চলে এলুম এসে পথে চলে এসছি ওরা সাত আট জনা মিলে চলে এসছে ফির মারতে এসে এসে বলছে এই ঝুপড়িতে আগুন লাগাই দিব এখানে আমরা রইতে দিব না তুই দিকে গার্ড করে ওয়াকে পুরা মাই ওয়াকে মেরে ওয়াকে মাথা পাঠাই নিচ্ছে তোরা আমরা ফোন করলুম পুলিশকে তারপরে এবার পুলিশ আসতে আসতে তখন আরও ওরা দশ পনেরো জন চলে এলো নিয়ে আমাদেরও ফির দশ পনেরো জন গেল যে পথে ফির হাতা পাই হইতে হইতে তারপরে পুলিশ এলো নিয়ে আমার ভাইটাকে পুরো মাথা ফাথা ফাটাই নিয়েছে নিয়ে ওকে তুরন্ত বড়োবাবু আমাকে বললো কি ঠিক আছে একে তুরন্ত হাসপাতালে ভর্তি করো নিয়ে পুলিশ যাবে নিয়ে যাই পথে ভর্তি করাইলো নিয়ে বড়োবাবুও ছিল বড়োবাবু বললো বল ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট হোক নিয়ে ওকে এখন হাসপাতালে আছে मास मार्केटिंग में चल रहा है फेस्टिव धमाका ऑफर स्क्रेच करे जीते ढेरों प्राइज जीते सोना स्मार्टफोन वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव स्मार्ट टीवी और भी बहुत कुछ शानदार उपहार पाए 20% कैश बैक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई ऑफर फाइनेंस पर पाए ज्यादा कैश बैक और हमारे गिफ्ट कार्ड पर पाए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट तो फिर आज ही आए अपने निकटवर्ती मास मार्केटिंग स्टोर में आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट शादी विवाह पार्टी के लिए तीन शानदार बैंकेट हॉल कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स सनरेली रोड अपकर गार्डन आसनसोल मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे दो मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार महिलाएं युवतियां बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान तो देर किस बात की जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर सिटी रोड आसनसोल बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन चाचे परखे प्रमाणित हीरे 100% खरीद वापसी जस्ट ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक डॉक्टर रॉयस फार्मेसी यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी जीटी रोड आसनसोल
राज्य में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आए दिन डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिला के नागरिकों के लिए इस मामले में खुशी की खबर है, क्योंकि पश्चिम बर्धमान जिला के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी शेख मोहम्मद यूनिस ने कहा कि जिला में डेंगू मरीजों की संख्या नियंत्रण में है। जनवरी से लेकर अब तक जिले में मात्र 234 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। आइए सुनते हैं कि CMOS शेख मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा। ডেঙ্গি আমাদের অনেকটা কন্ট্রোলে আছে, আগে যতটা কেস হচ্ছিল এখন তার থেকে অনেকটাই কেস কমেছে। আমাদের গত জানুয়ারির থেকে এখন পর্যন্ত টোটাল কেস আছে 234। তো আগে উইকলি যেরকম কেস হচ্ছিল তার থেকে এখন কেসটা অনেকটাই কম হচ্ছে। আমাদের যেসব মেজার নেওয়ার, যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার, সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের স্টেটের এবং সুডার গাইডলাইনে আরবান এলাকাতেই যেহেতু বেশি কেস, আমাদের পূজার আগে এবং পূজার পরে ত্রিপূজা এবং পুষ পূজা স্পেশাল ক্লিনিং অ্যাক্টিভিটি হয়েছে। পূজার সময়তে বিশেষভাবে আইসি চলেছে। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার যে হাউস টু হাউস সার্ভে চলে দু সপ্তাহ অন্তর অন্তর, ফিভার সার্ভে প্লাস ক্লিনিং অ্যাক্টিভিটি যেগুলো চলে, তার অ্যাডিশনাল দুটো রাউন্ড পুজোর আগে এবং পরে সেগুলো সব হয়েছে। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का सष्टम आयोजन रविवार को देर शाम को बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 13 महीना 13 मंदिर 13 दिन बाबा श्याम के नाम का आयोजन पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पधारे श्याम बाल मंडल के सैकड़ों श्याम भक्तों के द्वारा किया गया। इस दौरान सुगंधित फूलों से बाबा का भव्य श्रृंगार कर मंदिर परिसर को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र था। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के भव्य आयोजन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के सदस्य विकास गुप्ता व विवेक बर्नवाल ने बताया कि बाबा श्याम की कृपा से श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का सष्टम कीर्तन धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। पूजा उत्सव के दौरान आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त का अभाव हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जिला अस्पताल को रक्त अभाव के साथ दो चार होना पड़ता है, जिससे मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे रक्त अभाव को देखते हुए आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रबंधक ने CT नेटवर्क केबल के संस्थापक जयदीप मुखर्जी से रक्तदान शिविर करने की अपील की। उनके अपील के मद्देनजर सोमवार को CT नेटवर्क केबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर असीम सरकार ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के अधिकारियों की अपील पर सिटी केबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रवीर धर, जयदीप मुखर्जी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। আমরা জানি যে আমাদের একটা উৎসবের মরশুমের মধ্যে আমরা চলছি। দুর্গাপুজো গেল, সামনে কালীপুজো, ছট, এই সমস্ত উৎসবগুলো রয়েছে। তো প্রত্যেক বছরই মোটামুটি উৎসবের সময় রক্তের একটা সংকট রাজ্য জুড়েই দেখা যায়। তো দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের আসানসোল ব্লাড সেন্টারে এবার রক্তের যে মানে আমাদের যোগান সেটা তুলনামূলকভাবে বেশ কিছুটা কমে গেছে, যার ফলে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুসহ অন্যান্য রোগীরা বেশ অসুবিধায় পড়েছে। এরকম একটা অবস্থায় রক্তদান আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সিটি কেবল তাদেরকে আসানসোল ব্লাড সেন্টারের যিনি MOIC তিনি অ্যাপিল করেছিলেন সিটি কেবলের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় জয়দীপ মুখার্জিকে। উনি বরাবরই রক্তদানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং ব্লাড ব্যাংকের ভান্ডারকে পূর্ণ রাখতে সহযোগিতা করেন। তো এবার সময়ের মধ্যে নিজের অফিসের সমস্ত সহযোগীদের নিয়ে একটি রক্তদান শিবিরের উনি আয়োজন করেছেন। নিউজ প্রহর কে প্রায়োজক হ্যাঁ রেকো ইলেকট্রনিক কোম্পানি, মাস মার্কেটিং সুধা উদ্যোগ, শ্রী বালাজি ফ্যাশন, চেস জুয়েলারি, মোহন দ্য ফ্যামিলি স্টোর, রুদ্র হুন্ডাই, अभिनव किन्नी हाउस, PN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर